चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, एग्जांपल 25। पहले एग्जांपल कर, कहता है साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस एक्स कॉस वाई की वैल्यू कितनी है -12/13, और वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स और वाई दोनों कहाँ लाई करते हैं भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स और वाई दोनों लाई करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पाई बाय टू, यहाँ पर पाई, यहाँ पर थ्री पाई बाय टू, और यहाँ पर टू पाई। रूल क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर है भाई, ध्यान से देखना बोल क्या रहा है वो। कहते हैं साइन एक्स दे दिया 3/5, कॉस वाई दे दिया -12/13, तो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5 एंड कॉस वाई इज इक्वल्स टू -12/13। ठीक है भाई, ये गिवन है। और क्या बोल रखा है, एक्स एंड वाई बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसने बता दिया एक्स वाई दोनों कहां बिलोंग करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, साइन पॉजिटिव, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए देखो साइन एक्स, एक्स अगर सेकंड क्वार्टर में बिलोंग करता है तो साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स थीटा कहां बिलोंग करता है, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में थीटा का बिलोंग करता है, तो साइन का फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। और वाई भी सेकंड क्वार्टर में बिलोंग करता है, वाई भी सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव दे दिया। क्लियर है भाई, ये गिवन है हमारे पास। फिर वो बोलता है फाइंड साइन एक्स प्लस वाई, ये गिवन है, एंड टू फाइंड करना है मुझको, क्या क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई, ये निकालना है। क्लियर है भाई, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं इसका। क्या फाइंड करना है हमको, साइन एक्स प्लस वाई, इधर फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, साइन ए प्लस बी का। बोलो क्या होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया। तो मुझे साइन एक्स प्लस वाई निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो साइन एक्स चाहिए, क्या साइन एक्स दे रखा है, यस दे रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, उसके लिए चाहिए क्या क्या, एक तो साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स दे रखा है, और क्या चाहिए, कॉस वाई चाहिए, दे रखा है, क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, क्या चाहिए, कॉस एक्स। तो बताओ अब आपके पास अगर साइन एक्स दे दिया, उसने साइन एक्स दे दिया, क्या दिया साइन एक्स 3/5, और मुझे क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, एक्स वाले से एक्स निकलेगा, वाई वाले से वाई, ओहो समझ में आ रही है बात। तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मुझे साइन एक्स प्लस वाई निकालने के लिए ये चीज चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स दे रखा है रख देंगे, कॉस वाई दे रखा है रख देंगे, कॉस एक्स चाहिए, क्या चाहिए, कॉस एक्स नहीं दे रखा, साइन एक्स दे रखा है। तो आप बताओ कैसे निकालोगे, या तो वो पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले राइट एंगल ट्रायंगल बना के सिखाया था मैंने आपको, या फिर इसका फॉर्मूला क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए। तो बताओ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, अरे हाँ या ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये कितना होगा, 9, ये कितना होगा 25, 25 माइनस 9 16/25 हो जाएगा, अरे हाँ भाई हाँ, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू, रूट लगाओगे तो प्लस माइनस 4/5 आएगा, तो यानी cos x का आंसर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन cos x के आंसर का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, कि x जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता था, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड cos x, या साइन या cos x है, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, cos x equals to -4/5, रीजन क्या, x बिलोंग करता है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां तक क्लियर भाई, तो साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, इसका फॉर्मूला ये लगा दे, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, निकाल ली, यस और नो, और किसकी वैल्यू चाहिए, साइन वाई की, किससे निकलेगा, वाई वाले से, कॉस वाई दे रखा है हमारे पास, ये रहा, तो मुझे साइन वाई चाहिए। अब वही वही कहानी लगाते हैं, कौन सी, क्या गिवन है हमारे पास,
कॉस वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस 12 बाय 13। मुझे क्या निकालना साइन वाई, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस वाई, कॉस वाई क्या है माइनस 12 बाय 13 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस ये कितना आएगा 144 और ये कितना आएगा 169 और करोगे तो 169 माइनस 144 25 बाय 169। यस और नो? तो ये आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर वाई, हमें तो साइन वाई निकालना है, तो साइन वाई क्या होगा प्लस माइनस 5 बाय 13, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन वाई के आंसर का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है? इसके एंगल वाई पे। वाई कहां बिलोंग करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव। यस और नो? अब सारी वैल्यू हमने निकाल ली, हमें फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी है साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है कितना है साइन एक्स 3 बाय 5, कॉस वाई दे रखा है कितना है माइनस 12 बाय 13, प्लस कॉस एक्स हमने निकाला कितना है माइनस 4 बाय 5, और साइन वाई हमने निकाला क्या है 5 बाय 13। समझ में आ रहा है भाई? सिंप्लीफाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 या 36 माइनस 36 और 13 पंजे 65, और इसको करोगे तो माइनस का 20 और अपॉन में 13 पंजे 65, इसको करोगे तो 65 ही एलसीएम आएगा, और ये कितना हो गया ऊपर माइनस का 56 अपॉन में 65। समझ में आ गई बात भाई? यही निकालना था। क्लियर हो जाएगा? यही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 2x एंड कॉस x बाय 2, कॉस x बाय 2 माइनस कॉस 3x एंड कॉस 9x बाय 2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है भाई? अब देखो कोई फॉर्मूला हमारे पास ऐसे, ये a है इसको b बोलो, कॉस a इंटू कॉस b। फॉर्मूला तो है मगर कॉस a इंटू कॉस b का नहीं है बच्चों। ये फॉर्मूले हमने याद करें, 2 कॉस a इंटू कॉस b, कौन से फॉर्मूले थे बताओ? ये टी रेशियो फॉर्मूला, देखो प्रोडक्ट ऑफ टी रेशियो फॉर्मूला, देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए। तो इसका फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, क्या था इसका फॉर्मूला बताओ? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही था भाई, चेक करो यही फॉर्मूला है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा भाई फॉर्मूले रिकॉग्नाइज होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी है, लेकिन फॉर्मूला किसके लिए होता है? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए होता है, लेकिन कॉस ए इंटू कॉस बी के लिए तो नहीं होता, 2 होना चाहिए आगे, तो 2 आगे नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया है इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। कोई दिक्कत? इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 को अंदर ले जाएंगे तो बाहर 1 बाय 2 बच जाएगा, और इस 2 को अंदर ले जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos 2x एंड cos x by 2 एंड माइनस, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस होता है दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 एंड cos 3x, समझ में आ रही है बात भाई, एंड cos 9x by 2, ठीक है भाई? अब देखो फॉर्मूले बन रहे हैं, तो ये 1 by 2 बाहर, किसका फॉर्मूला 2 cos a into cos b, क्या होगा cos a plus b 2x plus x by 2, यस और नो? 2 cos a into cos b का 2 cos a plus b, फिर क्या होगा प्लस cos a minus b, तो 2x minus x by 2, ठीक है भाई? ठीक है, ये लग गया इसमें फॉर्मूला। फिर माइनस, इधर भी 2 cos a into cos b का फॉर्मूला, तो क्या होगा 2 cos a into cos b का cos a plus b 3x plus 9x by 2 एंड प्लस cos a माइनस बी 3x माइनस 9x बाय 2, ठीक है भाई? समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ में कुछ नहीं, तो cos a into cos b दिख रहा था मुझे, 2 चाहिए था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो बन गया 2 cos a into cos b, क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b, फिर ये माइनस, फिर यहां पे भी 2 cos a into cos b cos a plus b plus cos a minus b, सिंपलीफाई करते हैं, ये 1 बाय 2
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ये कितना होगा, एलसीएम करोगे तो 4x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 5x बाय 2, पक्की बात भाई। एंड प्लस इसको करोगे तो 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस 3x बाय 2, यस और नो, पक्की बात है। एंड माइनस इसको करोगे तो एलसीएम करो इसका कितना आएगा 6x प्लस 9x 15x बाय 2। एंड प्लस इसको करोगे तो 6x माइनस 9x माइनस 3x बाय 2 कॉस माइनस 3x बाय 2, कोई दिक्कत भाई? यहां तक हो गया, आगे चल रहे हैं। अब देखो भाई 1 बाय 2 इसको लिखते हैं कॉस 5x बाय 2 प्लस कॉस 3x बाय 2, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस 15x बाय 2 और ये प्लस माइनस माइनस होगा क्या कॉस माइनस 3x बाय 2 है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कॉस माइनस थीटा हो तो क्या रहता है वो कॉस थीटा, याद है कॉस माइनस थीटा और sec माइनस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब में माइनस बाहर आता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे ये माइनस इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये वाला माइनस और ये कॉस माइनस थीटा को क्या लिखोगे कॉस थीटा, कोई दिक्कत भाई? कुछ कट रहा है क्या? माइनस का कॉस 3x बाय 2 और प्लस का कॉस 3x बाय 2 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? ये बच गया 1 बाय 2 और बच गया कॉस 5x बाय 2 एंड माइनस कॉस 15x बाय 2, ठीक है भाई? ठीक है भाई यहां तक? अब क्या करोगे बताओ, अभी तक तो आंसर नहीं आया, अब क्या कर सकते हो? इस पूरे को ए बोलो, इस पूरे को बी बोलो, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, सी डी फॉर्मूला याद करो क्या था, कॉस ए माइनस कॉस बी, चलिए बताइए क्या फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू एंड साइन एंड साइन ए माइनस बी बाय टू, यही फॉर्मूला है भाई, चेक यही है। तो 1 बाय 2 बाहर कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा माइनस टू साइन क्या ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू एंड साइन ए माइनस बी बाय टू, ए ए माइनस बी बाय टू, यहां तक समझ में आया भाई? आगे चल रहे हैं। तो ये क्या आ गया 1 बाय 2, अच्छा इस 2 से इस 2 को काट दूं या इस 2 से इस 2 को काट दूं? इसको नहीं काट सकते, इसको तो काट सकते हैं, ये थीटा तो है ना, थीटा के बाहर है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो थीटा के बाहर तो कट जाएगा, यस और नो, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास माइनस, क्या बचा है माइनस साइन, इसको सिंप्लीफाई करोगे इसका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 2, ऊपर कितना 15x और 5x 20x, 20x को 2 से डिवाइड करोगे फिर 10x, फिर 10x को फिर दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5x, अरे हाँ या ना, फिर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको करोगे एलसीएम तो कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा माइनस का 10x और 10x को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5x और नीचे क्या है 2, 5x डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या आएगा साइन माइनस का 5x बाय 2, क्लियर है भाई? अच्छा बता दो कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, अगर कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा तो पॉजिटिव रहता है लेकिन अगर किसी में भी माइनस लगा तो माइनस बाहर आता है, यस और नो? तो ये साइन माइनस थीटा हो गया, ये माइनस क्या होगा बाहर आएगा, बाहर आके माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया साइन 5x इनटू में क्या साइन 5x बाय 2, क्या प्रूव करना था? क्या प्रूफ करना था भाई? यही प्रूफ करना है, समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? अगला प्रश्न ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 10 पाई बाय 8, याद रखना हम सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल, ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे,
स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना बताया था, अगर पाई होता है, क्या होता है पाई, तो ऊपर वाले पार्ट को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन ये तो पाई बाय एट जो है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो पाई बाय एट को अगर सिंप्लीफाई करें तो 180 डिग्री अपॉन में 8 करोगे सिंप्लीफाई, तो 8 दुनी 16, फिर 20 आएगा, फिर 8 दुनी 16, फिर 0.5, फिर 8 पंजे 40, तो 22.5 डिग्री का एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है? 22.5। यस और नो? मुझे किस निकालनी है 10 22 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है भाई? तो हमें पता जब पाई की टर्म में आता है अनस्टैंडर्ड एंगल, तो ऊपर वाले पाई को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं कि बड़ा वाला पार्ट डिनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सेकंड पार्ट बचे वो स्टैंडर्ड एंगल हो, मतलब 0 से 90 के बीच का। वो कब करते हैं? जब ये एंगल 90 से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 90 से ज्यादा। तो ये तो बच्चों 90 से कम है, 22.5 90 से कम है, तो इसमें क्या करेंगे? तो हम केवल स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसमें स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका देख लो भाई, कैसे करोगे? सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए पुट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू पाई बाय 8, कोई दिक्कत? मैंने पाई बाय 8 को क्या मान लिया? ए। तो मुझे 2 फाइंड क्या करना है बताओ, क्या फाइंड करना है? 10, इसका नाम क्या रखा? ए। तो किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? 10 ए की निकाल ले। अब ए इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाय 8। अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देख लो, ये तो पाई बाय 8 22.5 डिग्री का एंगल है, मैं तो निकाल ही नहीं सकता ऐसे वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहा हूं देख लो, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? देखो 2 से इस तरफ किया एंड 2 से इस तरफ कर दिया, तो ये हो गया 2a इज इक्वल, इसको काटोगे तो पाई बाय 4 स्टैंडर्ड एंगल होता है कोई, और यहां पे अगर मैं पाई बाय 4 स्टैंडर्ड एंगल होता है, मुझे किसके लिए निकालनी है? 10a की। किसके लिए निकालनी है? अब मैं करता हूं टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 लगा रहा हूं बोथ साइड। तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर आप 10 लगाओगे तो क्या होगा? 10 2a और यहां पर क्या होगा? 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 स्टैंडर्ड एंगल होता है, इसकी वैल्यू निकल आएगी, और 10 2a का फॉर्मूला होता है, 10 2a का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने 2a ऑन बोथ साइड किया। अगर मान लो a इक्वल्स टू पाई बाय 8 है, पाई बाय 8 है, और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, क्या कर देता? 4 से, तो इसको काटता तो क्या होता? पाई बाय 2, तो 4a इक्वल्स टू क्या होता? पाई बाय 2, पाई बाय 2 स्टैंडर्ड होता है, तो निकल आया, इसमें 10 लगाते इधर 10 लगाते, तो 10 4a का फॉर्मूला नहीं होता, 10 4a का फॉर्मूला हमारे पास, फिर इसको तोड़ना पड़ता, ज्यादा लेंथी पड़ता, तो इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, ताकि पाई बाय 4 बन जाए, तो आसानी से आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो बच्चों ध्यान दोगे भाई, कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो देख लेते होगे। तो 10 2a बराबर क्या आ गया? 10 पाई बाय 4, मुझे क्या निकालना है? 10a निकालना है, क्या निकालना है? तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 निकल आएगा, 10 2a का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, क्या होगा 10 2a का फॉर्मूला बोलो? 2 10a अपॉन में क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर a, होता है ना फॉर्मूला 10 2a का, और इसको सॉल्व करोगे 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 कितना? 45, 10 45 कितना होता है? 1। समझ में आ रही है बात भाई? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10a निकालेंगे यहां से, तो 2 10a इसको इस तरफ ले जाओ, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर a, इसको इस तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर a, और ये बच गया हमारे पास प्लस 2 10 a, और 1 को भी इधर ले जाओ तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यस और नो? ये इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? इक्वेशन यार 10 a। थोड़ी देर के लिए आप 10 a का कुछ नाम रख दो, t बराबर 10 a, मैंने क्या नाम रख दिया? t बराबर 10 a, मुझे 10 a ही तो निकालना है, तो t बराबर 10 a, तो कैसा हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी बन गई? क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे तो फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर नहीं होते तो हम कौन से फॉर्मूले से करते हैं? वो डी वाले फॉर्मूले से, याद है? यस और नो? तो इसके फैक्टर हो पाएंगे पहले बताओ, क्या नहीं फैक्टर नहीं हो पाएंगे? आप कोशिश करोगे फैक्टर नहीं हो पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? टी निकलेगा किससे? डी वाले फॉर्मूले से, क्या होता है? माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, होता है ना? तो माइनस का बी, माइनस का बी, बी क्या है? माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस टू का स्क्वायर एंड माइनस फोर ए सी। ए कौन है? वन। सी कौन है? माइनस वन। अपॉन में क्या? टू ए। ए कौन है? वन। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? टू प्लस माइनस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फोर हो जाएगा, माइनस माइनस ए बी प्लस फोर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया? टू। और सिंप्लीफाई करते हैं तो टी इज इक्वल टू टू प्लस माइनस, ये क्या हो गया? एट, अपॉन में क्या? टू। और सिंप्लीफाई करते हैं तो टी इज इक्वल टू टू प्लस माइनस, एट को क्या ले सकते हो? टू रूट टू, अपॉन में टू। टू कॉमन ले लो, टू टू कट जाएगा, तो टी प्लस टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस माइनस वन बाय रूट टू, यही आएगा, अपॉन में टू, ये टू टू कट गया। यस और नो? तो ये टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया वन प्लस माइनस रूट टू। यस और नो? तो टी की वैल्यू क्या थी? टी क्या था? टेन ए। टेन ए की वैल्यू आ गई, टेन ए इक्वल टू क्या आ गया? वन। एक बार प्लस का होगा और एक बार क्या होगा? माइनस का। यस और नो? अब क्वेश्चन उठता है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। क्लियर है भाई? ए क्या है? ए कितना था? इसको ए माना था, कितना था? साढ़े बाईस डिग्री। और साढ़े बाईस डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो टेन ए का आंसर या तो ये होगा या ये होगा। कौन सा आंसर होना चाहिए? पॉजिटिव वाला। कौन सा होना चाहिए? क्योंकि टेन ए के आंसर का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ए के ऊपर। एंगल ए कौन कितने डिग्री है? साढ़े बाईस डिग्री। वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो टेन ए का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। टेन ए का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखते हैं आंसर है क्या। या तो ये आंसर होगा, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन प्लस एंड रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.4 समथिंग। तो ये कितना आएगा बताओ? 2.4। यस और नो? और ये आंसर होगा तो क्या होगा? 1 माइनस रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.4 समथिंग। एंड माइनस करोगे तो 1 में से 1.4 गया तो क्या आया? माइनस 0.4। तो बताओ टेन ए का आंसर या तो ये होगा या ये होगा। टेन ए के आंसर का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है? इसके एंगल ए के ऊपर। इसका एंगल है कितना? साढ़े बाईस डिग्री। वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो टेन ए का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक आंसर तो ये आ रहा है और एक आंसर ये आ रहा है, बताओ कौन सा वाला होगा? पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? क्लियर भाई? ध्यान देंगे आगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, प्लीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी। क्या बोल रहे हैं? ये आता है पेपर में क्वेश्चन हमेशा, कहते हैं टेन एक्स इक्वल्स टू 3/4। बच्चों जब ये क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। कहते हैं टेन एक्स इक्वल्स टू क्या है? 3/4। और एक्स जो है वो क्या है? पाई और 3π/2 के बीच में। ये रहा सर्कल, यहां पर जीरो, यहां पर पाई बाय टू, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ध्यान देना भाई, टेन एक्स बराबर क्या है? 3/4। एक्स क्या है? पाई से बड़ा, पाई से बड़ा, और 3π/2 से छोटा। इसका मतलब एक्स जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन का फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए टेन का फंक्शन का आंसर क्या दे रखा है? पॉजिटिव। टेन का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है? इसके एंगल एक्स पे। और इसका एंगल एक्स क्या है? पाई से बड़ा 3π/2 छोटा, पाई से बड़ा 3π/2 छोटा। इसका मतलब कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन पॉजिटिव। इसीलिए इसका आंसर क्या दे रखा है? पॉजिटिव। यस और नो? तो ये देखा टेन एक्स की वैल्यू 3/4 और एक्स बता दिया पाई से बड़ा 3π/2 छोटा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू एंड टेन एक्स बाय टू। तो आप देख रहे हो यहां पर एंगल क्या है? एक्स। और यहां पर एंगल क्या है? एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। यानी इस एंगल का यहां पर क्या? आधा। इस एंगल का क्या है यहां पर? हाफ एंगल। इस एंगल का यहां पर क्या है? हाफ एंगल। तो आपको याद रखना है हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या याद रखना है? हाफ एंगल फॉर्मूला। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। हाफ एंगल फॉर्मूला, जब भी ऐसा हो देखो एक्स पूरा एंगल और वैल्यू किसकी निकालो? एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। यस और नो? तो भाई यहां पर तो एंगल एक्स है और वैल्यू किसकी निकालने मुझे? आधी, आधे एंगल की। एक्स बाय टू, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू। तो क्या होगा बताओ? हाफ एंगल फॉर्मूला।
तो आप क्या लगाओगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास एक ये है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में टू, और ये पहला है साइन एक्स बाय टू का। दूसरा है कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वन प्लस कॉस एक्स बाय टू। ये दो हाफ एंगल फॉर्मूला है। देखो भाई ध्यान से, टेन एक्स दे दिया, क्या दे दिया, टेन एक्स दे दिया, और हमको क्या निकालना है, साइन एक्स बाय टू, और क्या निकालना है, कॉस एक्स बाय टू, और क्या निकालना है, टेन एक्स बाय टू। यहां पे एंगल क्या है, फुल, और यहां पर एंगल क्या है, हाफ। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, तो टेन एक्स दे रखा है फुल एंगल, और मुझे निकालना है साइन एक्स बाय टू, और क्या निकालना है, कॉस एक्स बाय टू। अगर आप साइन एक्स बाय टू निकालना चाहते हो तो आप फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय टू। तो आपको क्या चाहिए, कॉस एक्स, कॉस एक्स आ जाएगा तो साइन एक्स बाय टू आ जाएगा। यहां पे भी क्या चाहिए, कॉस एक्स आ जाएगा तो कॉस एक्स बाय टू भी आ जाएगा, यस और नो। तो जब भी ऐसे हाफ एंगल वाले क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा कॉस एक्स निकालना है, क्या निकालना है, कॉस एक्स। तो बताओ टेन एक्स दे रखा है, क्या गिवन है आपके पास, टेन एक्स। भाई ध्यान देना, आपके पास गिवन है टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू क्या, थ्री बाय फोर, और एक्स कहां बिलोंग करता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर ऐसे लिख देता हूं मैं कि एक्स जो है वो क्या है, पाई से बड़ा और थ्री पाई बाय टू से छोटा, यानी कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। यस और नो, पक्की बात, पक्का है, तो टेन एक्स दे दिया हमारे पास क्या, थ्री बाय फोर, और मुझे क्या निकालना, साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू का ये फॉर्मूला, साइन एक्स बाय टू आ जाएगा अगर मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू आ जाएगा जब मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो जब भी आपको ऐसे हाफ एंगल निकालना है तो हमेशा क्या चाहिए, कॉस एक्स। तो यहां पर क्या, टेन एक्स, एक्स वाले से एक्स निकलेगा भाई, टेन एक्स है तो इससे आप निकाल सकते हो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, एक्स। लेकिन अगर एक्स बाय टू चाहिए तो एक्स बाय टू तो फॉर्मूले से निकलेगा, नहीं आई बात समझ में। तो हमारे पास टेन एक्स दे रखा है और मुझको चाहिए क्या, कॉस एक्स, क्या चाहिए, कॉस एक्स। तो देखो निकालते हैं कॉस एक्स। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, या तो पंडित बद्री प्रसाद लगाओ या फिर इसकी आइडेंटिटी लगाओ। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, यस और नो। तो वन प्लस टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, थ्री बाय फोर का स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नौ, और ये कितना, सोलह, एलसीएम करोगे तो सोलह और नौ, पच्चीस बटा चार इक्वल्स टू क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स, यस और नो। रूट लगाओगे, रूट क्या लगाओगे, रूट, रूट लगाओगे तो क्या आएगा, फाइव बाय फोर, और साथ में क्या लिखोगे, प्लस माइनस, ये क्या निकला, sec x, yes or no? हाँ, वन बाय टू आएगा, तो ये क्या निकला हमारे पास, sec x। कोई दिक्कत भाई, लेकिन मुझे तो cos निकालना है, तो sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो इसका उल्टा कर दोगे तो cos x आएगा, तो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस फाइव बाय, तो cos x या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। इसका नेगेटिव या पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, बता दो, cos x का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, कि x कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो x दे रखा है, कहां पर है, पाई से बड़ा, 3 पाई बाय 2 से छोटा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot। तो बताओ cos x का आंसर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, इसके एंगल x पे, एंगल x कहां से कहां पे बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, क्या ये tan या cot है, नहीं ये तो cos है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। cos x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 5 बाय 2, हां इसका उल्टा, हां उल्टा नहीं किया मैंने, ठीक है। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 बाय 5 प्लस माइनस, और ये क्या होगा, माइनस का, क्योंकि x कहां बिलोंग करता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां तक समझ में आई बात, निकल गया cos x, क्या हो गया गड़बड़, अरे यार हाँ ठीक है, ओहो हो गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, इस गड़बड़ को सुधार लेते हैं, क्या हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा, 9 बाय 16 होगा, और ये क्या होगा, sec स्क्वायर x, 16 प्लस 9 25 बाय 16, जल्दी के चक्कर में स्किप हो गया। इसको जब रूट लगाओगे तो क्या होगा, sec x इज इक्वल्स टू, रूट लगाओगे तो प्लस माइनस क्या, 5 बाय 4, उल्टा करोगे तो cos क्या निकलेगा, cos x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बाय 5। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो cos x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 बाय 5।
रीजन क्या, एक्स बिलोंग करता है कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, निकल गया कॉस एक्स। तो बच्चों ऐसे आपके पास कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो भाई, टेन एक्स दे रखा है तब भी आपको क्या निकालना है, कॉस एक्स। साइन एक्स दे रखा है तब भी क्या निकालना है, कॉस एक्स। और निकल आएगा आइडेंटिटी लगा के, हमने पहले एक्सरसाइज में किए थे क्वेश्चन, याद करो कहां पे किए थे, 3.1 में, 3.2 में किए थे, 3.2 में किए थे हमने क्वेश्चन, क्लियर है भाई। चाहे टेन एक्स दे रखा हो तब भी आपको कॉस एक्स निकालना है, साइन एक्स दे रखा हो तब भी कॉस एक्स, और कॉस एक्स दे रखा हो तो ये स्टेप नहीं करेंगे, तो कॉस एक्स दे दिया। समझ में आ रही है बात भाई, नहीं आई पक्की बात, तो ध्यान देना भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, साइन एक्स बाय टू निकालना है। क्या निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, क्या है साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला बोलो, प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय क्या, टू। तो साइन एक्स बाय टू आ रहा है, तो प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स हमने निकाल लिया, क्या निकला, माइनस फोर बाय फाइव बाय क्या, टू। तो प्लस माइनस रूट क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर बाय फाइव बाय टू, और सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस रूट क्या आएगा, फाइव एलसीएम, पांच और चार नौ, और इसको दो को लेके आओगे तो वन बाय टू, तो नौ बटा दस, पांच चार नौ, नौ बटा पांच, फिर ये टू बाय वन, ऊपर क्या बनेगा वन बाय टू, पांच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नाइन बाय टेन। तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, यस। तो ये क्या आ गया, नाइन का रूट कितना होगा, थ्री, और ये रूट इसके ऊपर रहेगा थ्री बाय रूट टेन। किसका आंसर आया, ये साइन एक्स बाय टू का, साइन एक्स बाय टू का आंसर आ गया, प्लस माइनस। अब साइन एक्स बाय टू का नेगेटिव होना पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल एक्स बाय टू पे, कि एक्स बाय टू कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। हम एक ना 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 ना, एक्स बिलोंग करता है कहां पर, थर्ड में। मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, एक्स बाय टू कहां पर बिलोंग करेगा। अरे बात समझ में आ रही है भाई, तो देखो बच्चों ध्यान दो, एक्स जो है वो पाई से बड़ा है और थ्री पाई बाय टू से छोटा है, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, पाई से बड़ा और थ्री पाई बाय टू से छोटा, पाई से बड़ा थ्री पाई कहां पे, थर्ड में। अब मुझे पता लगाना है कि एक्स बाय टू एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो एक्स है इसमें बिलोंग करता है, एक्स बाय टू पता लगाना है, तो इसको तीनों को टू से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, टू से। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको पाई बाय टू, और ये क्या आएगा एक्स बाय टू, और ये क्या आएगा, टू से डिवाइड करोगे तो थ्री पाई बाय फोर। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि भाई अब एक्स बाय टू किससे बड़ा है, पाई बाय टू से बड़ा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं कहीं आएगा, बस एक से पता लगा लो, x बाय टू किससे बड़ा है, पाई बाय टू से बड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में, यस और नो। तो x बाय टू बिलोंग्स टू कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन x बाय टू का आंसर या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करता है, किसका एंगल x बाय टू कहां पर बिलोंग करता है, कहां पर बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और ये साइन ही है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे सीख रहे हो भाई, पक्की बात है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, ये है बस इतनी सी बात बता रहा है ये। एक्स दे दिया, हमेशा कॉस एक्स निकालो, क्या निकालो, आइडेंटिटी लगाई, सेक्स स्क्वायर एक्स आया तो कॉस एक्स आ गया, आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद डिपेंड करता है कि इसका एंगल एक्स कहां पे बिलोंग करता है, वो दे रखा है, एंगल एक्स कहां पे बिलोंग करता है, पाई से बड़ा थ्री पाई बाय छोटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉस है तो नेगेटिव आ गया, आ गया कॉस एक्स। फिर मुझे क्या निकालना है, साइन एक्स बाय टू निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया साइन एक्स बाय टू, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा पता लगाना है। अब साइन एक्स बाय टू का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है, इसके एंगल एक्स बाय टू पे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा एक्स बाय टू एंगल कहां पे बिलोंग करता है, एक्स कहां बिलोंग करता है, पाई से बड़ा थ्री पाई बाय छोटा, मुझे एक्स बाय टू पता लगाना, टू से तीनों को क्या कर दो डिवाइड, तो पाई बाय टू से बड़ा होगा, एक्स बाय टू किससे बड़ा होगा, पाई बाय टू से बड़ा, तो कौन से क्वाड्रेंट बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आ गया, क्लियर है भाई। ये निकल गया साइन एक्स बाय टू, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस एक्स बाय टू, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस एक्स बाय टू। फॉर्मूला बताओ क्या है कॉस एक्स बाय टू का, प्लस माइनस क्या फॉर्मूला है, रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या, टू। सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस रूट वन प्लस कॉस एक्स, क्या निकाला हमने, माइनस फोर बाय फाइव, यस और नो, अपॉन में क्या,
टू, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, प्लस माइनस रूट कितना हो गया, वन माइनस फोर बाय फाइव हो गया एंड बाय टू हो गया, और सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस ये कितना होगा, फाइव माइनस फोर वन, और इसको ऊपर के लगा टेन, तो क्या हो जाएगा वन बाय रूट टेन प्लस माइनस। अब क्या आ गया ये कॉस एक्स बाय टू। अब या तो आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होने किस बात पर डिपेंड करता है, x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉस है, क्या ये साइन या कॉस है, क्या नहीं तो कॉस है, तो आंसर क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, कॉस x by 2 क्या होगा, माइनस वन बाय रूट टेन, क्योंकि x बिलोंग करता है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये निकल गया। अब मुझे क्या निकालना, साइन x by 2 निकाल लिया, कॉस x by 2 निकाल लिया, और क्या निकालना, टेन x by 2, तो टेन x by 2 तो आसान है निकालना, क्या निकालना भाई, टेन x by 2, तो tan x by 2 को लिख सकता हूं मैं sin x by 2 अपॉन में cos x by 2, भाई sin cos आ गया तो ये तो अपने आप ही आ जाएगा, tan x by 2 को क्या लिख सकते हो, sin x by 2 cos x by 2, sin x by 2 क्या निकाला, 3 by root 10, cos x by 2 क्या निकाला, minus 1 by root 10, tan tan कट जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस ऊपर लगा दो तो माइनस 3। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, क्लियर है, चलो ये हम अगली, ये कर सकते हो तुम, क्या निकालना है, साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, टेन एक्स, तो क्या निकालना पड़ेगा, कॉस एक्स निकाल लोगे, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, सेकंड में, सेकंड का मतलब पाई बाय टू से बड़ा और पाई से छोटा, यहां पे एक्स कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, थर्ड में, थर्ड का मतलब क्या, पाई से बड़ा और थ्री पाई बाय टू से छोटा, सेकंड में बिलोंग करता है मतलब पाई बाय टू से बड़ा और पाई से छोटा, हो जाएगा सारे वही क्वेश्चन है, क्या निकालोगे इसमें पहले, कॉस एक्स, इसमें भी क्या निकालोगे, इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें क्यों, कॉस एक्स दे ही रखा है, तो यानी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन था, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें cos x निकालना होता था, उस क्वेश्चन में क्या है, cos x दे ही रखा है, तो ये बाकी सब करना है, नहीं आई बात, तो आसान हो गया, नहीं हो गया आसान, यहां पे आपको cos x निकालना पड़ रहा था, वहां पे आपको cos x दे ही रखा है, इसमें निकालना पड़ेगा cos x, इसमें निकालना पड़ेगा cos x, लेकिन इसमें तो cos x दे दिया, ये तो आसान हो गया, हो जाएगा भाई, एक करके लाना, अगली क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है भाई, मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चलिए ओके बाय।